आज केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज के लिए कितना इज्जत दी है आप सब जानते हैं। आज महमूद अली साहब को पिछले टर्म में वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम भी थे, अब ये साल होम मिनिस्टर है। आज के जमाने में इतने रियासत में कहीं माइनॉरिटीज को होम मिनिस्टर बना रहे हैं? बोले तो सीएम साहब ने अपने लिए इतना इज्जत दिए हैं, अपने सबको मिलकर देख रहे हैं सीएम साहब, जो गंगा जमुना तहसीब बातों में नहीं कामों में सीएम साहब ने करके दिखारे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए आज शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए, हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खोले हैं। आज शादी मुबारक में आप जानना चाहते हैं, 2,55,000 शादियों के लिए अभी तक मदद कर चुके हैं। 2,55,000 शादी हुकूमत के तरफ से 1-1 लाख रुपया देके आज शादी करवा रहे हैं। अभी तक 2,200 करोड़ रुपया ये शादियों के ऊपर हुकूमत ने खर्च कर चुके हैं। और एक खुशखबरी भी आपको देना है, हमारे शकील साहब ने अभी अभी पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कंसेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था मैं भी, सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए, हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो एक दो दिन में जीवो निकलने वाला है, सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं, ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है करना एक है, बोलते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं लेकिन अपने को क्या काम करे जरा आप लोग सोचना चाहिए। इतने साल से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, क्यों हमारे मुसलमान भाई अभी भी गरीब है इस देश में? क्या कांग्रेस पार्टी कहीं क्यों नहीं कर चुके हैं? आज एक बात मैं आपको अच्छा समझने के लिए बोलना चाहता हूं, पिछले 10 साल केसीआर साहब से पहले 10 साल ये राज्य में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थे, पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए कितना रकम खर्च करा बोले तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1200 करोड़ रुपया खर्च करे, लेकिन पिछले 9 साल में केसीआर साहब के टाइम में 9,100 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। कहां 1200 करोड़ रुपया, कहां 9,100 करोड़ रुपया। ये हर भाई बहन सोचने की जरूरत है। मेरा शकील भाई बोल रहे 50 साल के कांग्रेस हुकूमत में भी 9,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करे लेकिन 9 साल में केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी मुबारक के लिए, बहुत सारे स्कीमों के ऊपर ये 9,100 रुपया आज सीएम साहब ने खर्च कर रहा है। ये साल की बोलना चाहिए, ये साल में भी हम बजट में इतने पैसे रखे 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपया रख चुके हैं बजट में। कांग्रेस ने 1200 करोड़ रुपया 9 साल 10 साल में खर्च करे तो
सिर्फ ए साल में 2200 करोड़ की बजट में हम रख चुके हैं, जो एक साल में केसीआर साहब दिए वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी अपने माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिए हैं। ये हर मुसलमान भाई बहन सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल पूरे दुनिया में 28 रियासत है, 28 रियासत में जितने रेजिडेंशियल स्कूल है उससे ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आज तेलंगाना में है। एक या दो 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं। कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना जरूरत कंपलसरी हो गए, अच्छी नौकरी मिलना है तो इंग्लिश पढ़ना है। सीएम साहब ने ये सोच के उर्दू भी पढ़ा रहे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे सीएम साहब ने, नमाज भी करा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी कर रहे सीएम साहब ने। ऐसा कोई सोच सकते? आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ में उर्दू भी सिखा रहे सीएम साहब ने। आज अपने बच्चे बहुत सारे बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। आज 200 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज सीएम साहब ने खोले हैं। कोई सोच भी सकते हैं? नींद में भी कोई सोचे भी नहीं होंगे कि 200 जूनियर कॉलेज अपने बच्ची और बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने देंगे बोल के। एक भी नहीं था पिछले कांग्रेस पार्टी के 70 साल के उनके जमाने में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिए। जो 70 साल में एक भी नहीं दिए केसीआर साहब ने 200 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल दिए हैं। आप सोचो एक घर में एक डॉक्टर बने तो कितना रोशनी वो घर में आएगा। एक मिनट।